तो आज दूसरा दिन है और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं, और कौन सा दिन है ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो शूट कभी होते हैं, एडिट कभी होते हैं और अपलोड कभी होते हैं, तो अपलोड होते होते टाइम लग जाता है। तो मैं 9:30 बजे उठ गई थी और मैंने सोचा थोड़ा और सो जाती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं 12 बजे सोई थी फिर मुझे नींद नहीं आई, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ आज पहली बार इतनी जल्दी। मतलब 9 बजे उठ गई थी लेकिन आधे घंटे तक लेटी थी और नींद इतनी अच्छी आई कि रात में एक भी बार मेरी आँख नहीं खुली, इतनी अच्छी नींद आई मुझे, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी और एक रात पहले से मैं जागी हुई थी। तो अभी बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर बाहर घूमने जाएंगे खाना वाना खा के दोपहर का। तो आगे आगे मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और ये जो मैंने नाइट सूट पहना हुआ है ये मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था, कि आईडी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी इंस्टाग्राम पर ही, तो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो करते हैं तो जाकर वहाँ ज़रूर देखना। मैं उसको अपनी स्टोरी में, कल पूरा दिन इनके लेक्चर थे, व्लॉग बना रही हो तो कैसा बना रही हो, कुछ अपडेट नहीं दे रही हो, ये आ गए अपने। हाँ तो कल मैंने पूरा दिन के लेक्चर सुने हैं, आज मैं आपको पूरी तरह से प्रॉपर अपडेट दूंगी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल मुझे खुद ही होश नहीं था, मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हो चुका है, अभी थकान उतर गई। तो कल हम लोग शाम तक यहाँ से निकल जाएंगे मुंबई के लिए, तो बस आज का ही दिन है और कल का दिन है जो हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं, और कल का दिन फिर से थकान भरा रहने वाला है। और मैं आप लोगों को इस जो इन लोग का बंगला है इसके आसपास का एरिया दिखाती हूँ, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहली बार मुझे धूप मिली है 4 सालों में। ये छोटा सा इनका बैक एरिया है, यहाँ पर आपको पहाड़ नजर आएंगे, पता नहीं किसका बंगला है, कौन कहाँ से देख रहा होगा। और मैंने आपको ऊपर से तो दिखाई नहीं, तो चलो मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाती हूँ कि बंगले में, बंगले से ऊपर कैसा लगता है। आईज है नहीं, हाँ उसकी आईज में लग गई चोट। तो यहाँ पे मम्मी का फोटो शूट हो रहा है, हम लोग नाश्ता करके तैयार हो गए हैं और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे यहाँ मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, दूसरे बंगले में। तो अभी हम लोग साइड देखने जा रहे हैं कि कैसा दिखता है क्या है, कभी देखे तो के हाँ, दिखे हाँ, हम लोग ऐसे ही मुआयना करने जा रहे हैं, वहाँ से खाना पीना खाएंगे फिर शाम को जाएंगे घूमने, फिर शाम में जाएंगे फिर वहाँ से खाना खा के वापस आएंगे, और अगर हमारी हिम्मत नहीं हुई खाना खाने की जैसे कल नहीं हुई थी पैक करवा के ले आएंगे। और यहाँ पर एक कैट है आयजा, उसके पीछे कल से उसके पीछे आयजा नो हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे 1 घंटा पहले, और यहाँ टेक्नोलॉजी का काम चल रहा है, काम पहले बाद में सब कुछ, पहले काम टेक्नोस बहुत इम्पोर्टेंट है, टेक्नोस के लिए सब कुर्बान, सब कुर्बान। जल्दी आओ, चाइनीज बुड्ढी गाना गा रही, हाँ सेम चाइनीज बुड्ढी लग रही थी। चंगा बाप गाड़ी का एक्चुअली ऑडियो खराब है, तो इधर चल रहा है रेडियो।
लोग आए हैं यहाँ, ये आसपास के इलाके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये देखने, और एकदम नेचुरल है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये गेहूँ की खेती हो रही है और उसके आगे बाजरे की खेती हो रही है और कुछ बीन्स के भी पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। बहुत टाइम बाद मैं ऐसे इलाके में आई हूँ जहाँ पर इतने सारे पौधे और इंसान कम है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ जो बहुत सालों बाद मैंने भी देखी है, और वो है एक मैं दिखाती हूँ कितना गहरा है। तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही गहरी चीज़ दिखानी है, आप इन थोड़ा पीछे हो जाओ प्यार संभालना, और ये है, ये देखो बहुत ज़्यादा गहरा मुझे। अच्छा मेरी आवाज़ देखो, हेलो हे इधर है, मिलता है कल मिलेंगे, हाँ चल ठीक है, बोला आफ्रिंस ब्लॉग को, आफ्रिंस ब्लॉग को सब्सक्राइब मत करो। आंखें ही नहीं खुल रही है। ये हमारे आज की गाड़ी खोलो, गाड़ी सनग्लास लगाकर इसको हीरो समझने लगते हैं। हो गया हमारा आज का मुआयना जो करना था, हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाकर खाना खाएंगे फिर शाम में निकलेंगे भटकने के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, तो अभी बज रहे हैं 2:15 और हम लोग खाने आ गए हैं खाना उसी जगह पे जहाँ कल हमने दोपहर में खाया था, और मुझे लग रहा था घर पे खाएंगे लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, घर जाके फिर ऑर्डर करें फिर घर पे आएगा, तो इससे अच्छा हम लोग ने सोचा हम लोग बाहर खाएंगे। मम्मी आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? यहाँ का खाना अच्छा, अच्छा यहाँ का खाना अच्छा है, बहुत अच्छा खाना। इससे हम लोगों को कुछ और समझ में नहीं आया, हम लोग फिर से वहीं पे आ गए। आयदा आयदा क्या करोगी तुम? क्या चिकन खाएंगी? और बाद में मेरे थम्स अप एक चिकन चाहिए, और क्या चाहिए? हम लोगों को खाना हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अब पापा के कोई फ्रेंड है उनके उनके घर पे, थोड़ा बैठेंगे वहाँ पर, अभी घर जाने का प्लान था, खा रुके वहाँ मैं हम लोग शायद घर पे रात का खाना वाना खाने के बाद जाएंगे, आज हम पूरा दिन बाहर ही रहने वाले हैं। आयदा क्या खा रही हो तुम? कैंडी? कुछ भी खाएगी कैंडी। तो हम लोग आ गए पापा के फ्रेंड के यहाँ पर, और यहाँ से मैं आप यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत मस्त है, पास से दिखाती हूँ। गार्डन है और इस गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं, यहाँ अमरूद का अमरूद के पौधे हैं, यहाँ पे नींबू है, अमरूद है, अनार है, बहुत सारे मतलब इन लोगों ने प्लांट्स बना के रखे हैं। उन लोगों को सिर्फ ये जो है ना ये सबसे बड़ा गार्डन है और ये इनके घर के अंदर है, और इसका व्यू देखो मैंने दिखाया था आप लोग को, और ये गार्डन और जो छोटा गार्डन है वो थोड़ा वो बाहर है। तो मतलब मुझे बहुत पसंद आई ये जगह, यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स हैं, मुझे और क्या चाहिए, मुझे बस प्लांट्स ही चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए? ऐसा का मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया है, अभी चिड़चिड़ी हो रही है क्योंकि इसको सोने के लिए नहीं मिला, इस टाइम सोती है, हम लोग भी थोड़ा सा लेटते हैं, लेकिन अभी आए घूमने के लिए तो क्या करें, सो के तो नहीं बिता सकते ना पूरा दिन, इसलिए अभी हम लोग यहाँ से दूसरी जगह जाने वाले हैं और वहाँ से फिर हम लोग घर जाएंगे और फिर सोकर फिर जो अगले दिन हम लोग उठेंगे शाम में हम लोग यहाँ से मुंबई के लिए निकल जाएंगे। मैं ये दूसरी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, ये है छोटी सी मुर्गी। तो हम लोग इस वक्त आए हैं मैप्रो में थोड़ी सी मस्ती करने, उल्टा दिख रहा होगा आपको वो फन टाउन लिखा है, और आयदा सो चुकी है।
लोगों के बहुत कहने पर मैं कुछ ट्राई करने वाली हूँ। मैं वैसे ऐसी जगह पर आती हूँ तो कुछ भी ट्राई नहीं करती हूँ, दूर से देखकर एंजॉय करती हूँ। तो हम इसको बैठने वाले हैं, वो भी किसके भरोसे? टेक्नोलॉजी के भरोसे। पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले। हाँ, हम ड्राइव करेंगे, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। लेट्स सी, बस खाली आप ही चुपचाप रहे तो गाड़ी सही चलेगी, अगर कुछ बोली तो गाड़ी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है मैं सही सलामत वापस आऊंगी कि नहीं? नहीं, शी विल बैक, शी विल बैक। अगर वीडियो ब्लॉग अपलोड हो गई है तो उसकी थैंक। दोनों जा रहे हैं। अबे ऐसा थोड़ी होता, पागल है। जोड़ी में सिर्फ हम लोग ही हैं, बाकी सब सिंगल है। वो आफरीन की तरह ड्राइव कर रही है, कल पहुंचेगी। कल आपकी ड्राइविंग भी देख लेंगे अभी, ठीक है? ठीक है, एक एक्सीलेटर और वो ब्रेक, ये ब्रेक बाल पूरा ऊपर बांधो और दुपट्टा में टाई बांधो। हेलमेट है? निकालेंगे कैसे आप? ठंडी लग रही है ना? बहुत ठंडा है, ठंडा है। ये देखो मेरा सही लगाए, लगा दो। हो गया हमारे 4 राउंड और हम जीत गए भाई। अच्छी ड्राइविंग की, जो बात डर रही थी मैं। खोलो, ये लोग आ गए, ये लोग हार चुके हैं। स्लो स्लो कर रहे थे पहले, बोले स्पीड में करो ना, तुम लोग स्लो क्यों चल रहे हो? जब हम लोगों ने फास्ट किया तो ये लोग खोल रहे हैं। तुम लोग लूजर हो। आयदा सो गई है, आयदा ने सब कुछ मिस कर दिया। मम्मी आयदा को लेके बैठी है। मम्मी मम्मी हम लोग जीत गए हैं। मेरे
मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो सिर्फ 20% रह गई है, और मुझे अभी ये भी कवर करना है। मैं खुद बैठे जा रही हूँ, और बहुत साल पहले बचपन में बैठी थी, उसके बाद आज मैं बैठी हूँ। मुझे ज़्यादा शौक नहीं इन सब चीज़ों का, लेकिन आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, जैसा कि ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, आप लोग भी बोर नहीं होंगे। तो हम यहाँ बैठे हैं डैशिंग कार में, और कुछ कहना चाहेंगे अपनी पिछली ड्राइविंग के बारे में? मैं नहीं, अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ मुझे जितना कैसे इसको कैसे ठोकना है। वहाँ हम लोग टूटने से डर रहे थे, यहाँ पर हम लोग टूटने वाले हैं, है ना? टारगेट करेंगे अपने को देखना। हाँ, ये लोग भी जा बैठ रहे हैं, रजमान भी अलग है, दोनों अपने को टारगेट। हाँ, अलग अलग है, वही बोल रहा हूँ ना, फैमिली के अंदर आज लड़ाई होने वाली है। अभी हमारे चार बुद्धि से भागो, क्यों बच्चों भागो, दोनों दवा दे सामने से अटैक करो। इसकी सिर्फ 20% बैटरी है, अगर ये खत्म हो जाती तो अपना मोबाइल दे देना, ठीक है? आइए देखो, हाय करो, हाय करो मम्मा को, मम्मा को हाय, हाय करो, हाय करो। अभी आयजा बैठने वाली है, वैसे इसका नाम क्या है? पता नहीं, उसने कुछ तो बोली है ना। अच्छा, कैरोसोल, हाँ कैरोसोल, चलो हाय आयजा, हाय कर लो, हाय हाय जू। हाँ तो बच्चे लोग का भाई क्या करेंगे। आयजा को डैशिंग कार में बैठना है, क्योंकि उसने हम लोगों को देखा था, अब तुझे दे तो उसको सिर्फ बिठा के वापस लेकर आ रहे हैं। जा रहे थे, लेकिन हम अब वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई है, 9:30 बज रहे हैं, तो वहाँ जाना कैंसिल हो गया है। और अच्छा ही हुआ मेरे फ़ोन के बैटरी के लिए, और हमारे सीधा तो रात के 11:30 बज रहे हैं, और मेरी हालत एकदम डाउन हो चुकी है अब। और ये टेक्नोरोहिस की भी हालत ऐसी, एक्टिंग करते हैं कि बहुत थक गए हैं, मगर इन्होंने कुछ तो किया नहीं है। आंखें इसकी हमेशा बंद रहती, बंद रख के चलती अपनी माँ की तरह। ये एक टिपिकल बाप है, वो भी इंडियन टिपिकल बाप, जो ये वो है, इसका वो जूता कहाँ गया, तो नीचे पड़ा है। मैं जा रही हूँ सोने, और आयजा भी अब थक चुकी है, आयजा को मैं सुला दूंगी। अब ये बंद कर रहा हूँ, ठीक है? आप कहाँ जा रहे? तो मिलते हैं आपसे कल।
मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही।